जब भी आप लोग स्टेट पीसीएस या सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, उस समय आपको अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ाया जाता है। इससे क्या होता है कि आपके क्वेश्चंस प्रारंभिक परीक्षा भी के भी आप लोग सॉल्व करने की स्थिति में पहुंच जाते हैं, और जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें भी आप लोग कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। और आप लोग देखते हैं वो ऑनली एग्जाम में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेता है। जब हम लोग वर्ल्ड मैप्स कवर कर रहे थे, सभी देशों को बहुत विस्तार से कवर किया हुआ था, एक बुक्स आती है उसे पूरा कवर किया हुआ है, मैप्स का सहारा लेकर पूरा पढ़ाया गया है। तो उसमें कई लोगों ने पूछा कि कैसे याद रख सकते हैं, इतने देश हैं, इतने देशों के बारे में सब कुछ याद कर पाना संभव ही नहीं है। ये हकीकत है, आपके लोगों के लिए नहीं, हर किसी के लिए संभव नहीं है। तो स्मार्ट ग्री होती है एक तरह से। स्मार्टनेस क्या होता है कि आप लोग देखेंगे कि जो चर्चा में रहे देश उसी से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई देश चर्चा में ही ना रहे, करंट में ना रहे, उससे भी क्वेश्चंस पूछ ले, मुश्किल से एक आध पूछ ले, ऐसा हो सकता है। लेकिन अक्सर क्या देखा जाता है कि जो चर्चा में काफी रहता है, अब आप देखेंगे 2019 में, 2020 में अभी क्या हुआ है, राष्ट्रपति चुनाव हुआ है अमेरिका का, तो अब क्वेश्चंस बन सकता है अमेरिका के बारे में, समझ रहे हैं आप लोग। तो इसी तरह कतर और भारत के संबंध चर्चा में है, क्यों चर्चा में है और कैसे संबंध रहे हैं और क्या है इनके बीच में, सब कुछ हम लोग देखते हैं। एक बात और याद रखिए आप लोग कभी दोस्ती किस हिसाब से करते हैं, आप अपने भी आसपास पड़ोसियों से दोस्ती करते होंगे तो आपका मतलब जरूर निकलता होगा। आजकल मुझे नहीं लगता है कि वो दोस्ती हो, समझ रहे हैं आप लोग, कि मतलब कोई उसमें मतलब ना हो फिर भी दोस्ती आपकी चल रही हो। आप गरीब से दोस्ती करना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके आगे काम नहीं आने वाला है, समझ रहे हैं आप लोग। तो यही देशों के साथ भी है, और देशों में तो आजकल आप समझिए कि कोई स्थायी दोस्त नहीं है, हो सकता है कि आगे बदल जाए। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि हमारी रूस से बड़ी अच्छी मित्रता हुआ करती थी, रूस हमारा हमेशा साथ दिया करता था, और अमेरिका को आपने देखा होगा कि चाइना और पाकिस्तान का साथ दिया करता था। लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी है, चाइना और पाकिस्तान की झुकाव की तरफ झुकाव आपका रसिया यानी कि रूस का देखने को मिल रहा है, और अमेरिका का झुकाव हमारी तरफ देखने को मिल रहा है, भारत की तरफ। अमेरिका बड़ा मतलबी दोस्त है एक तरह से, आप समझिए। क्यों मतलबी है? क्योंकि वो क्या करता है कि अगर चाइना को आगे बढ़ने से रोकना है, दक्षिण चीन सागर हो या फिर किसी और मामले में, तो उसे भारत की जरूरत पड़ेगी हमेशा, इसलिए वो भारत की तरफ उसका झुकाव है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे ये हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें एशिया में आप देखेंगे तो ये है आपका प्यारा, हमारा प्यारा भारत, ये बंगाल की खाड़ी हो गई, अरब सागर हो गया, नीचे आपका श्रीलंका हो गया, ठीक है, ये म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सभी आपके क्या हो गए, पड़ोसी। जैसे ही आप लोग अरब देशों में जाएंगे तो यहाँ आपको ओमान की खाड़ी देखने को मिलेगी, फारस की खाड़ी, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कतर, क्या है ये है आपका कतर। याद रखिए अरब प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी तट पर एक स्थित छोटा सा द्वीप है, क्या है, छोटा सा द्वीप है कतर। इसकी राजधानी की बात करें हम लोग तो दोहा है, और ये आपका सऊदी अरब से घिरा हुआ है, ये सऊदी अरब, और बाकी तीनों ओर से फारस की खाड़ी से इस तरफ घिरा हुआ है, ठीक है। यही आपका बहरीन देखने को मिल जाएगा, ये संयुक्त अरब अमीरात इसी यही आसपास में है, ठीक है। तो इसी की बात करने वाले हैं हम लोग, इसकी राजधानी की दोहा, आप देखते हैं दोहा इसकी। हाल ही में आपने देखा होगा कि भारत के विदेश मंत्री ने कतर के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की और दोनों देशों के मध्य आर्थिक तथा सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा भी की है। आप लोगों से बताया था ना कि कोई अगर आपका काम का देश नहीं है, यानी कि काम का दोस्त नहीं है, तो उससे आप दोस्ती तोड़ देंगे, यही देशों पर भी लागू होता है। हम लोग संबंध तभी बनाते हैं जब हमारे एक तरह से काम आने वाला हो, अब ऐसा हो कि कामें नहीं आए, हमें उससे कभी मतलब ही ना रहे, तो हम लोग किस लिए मित्रता रखेंगे, ज्यादा एक तरह से फोकस भी नहीं करेंगे उस मित्रता पर, ठीक है, एक दो संधि कर ली और छोड़ दी। लेकिन आप देखते होंगे अमेरिका, रसिया, इनसे हमेशा चर्चा बनी रहती है कि हमारे विदेश मंत्री मिले, हमारे प्रधानमंत्री मिले, हमारे राष्ट्रपति साहब मिले, क्योंकि इनसे हमारा भी काम पड़ता है, इनका काम भी हमसे पड़ता है। यह यात्रा भारत की पश्चिम एशिया के लिए जारी आउटरीच का हिस्सा है, जिसे देश अपने विस्तारित पड़ोस के हिस्से के रूप में देखता है। कतर खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य भी है, क्या है, खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य भी है। भारत और कतर बहुपक्षीय मंचों पर पारस्परिक हितों के सभी मुद्दों पर नियमित परामर्श और समन्वय बनाए रखने के लिए सहमत भी हुए हैं। आपसी हित के मुद्दों में ऊर्जा, बिजली, पेट्रोकेमिकल, निवेश, बुनियादी ढांचा, विकास परियोजना, निर्यात और शिक्षा इसमें शामिल है। इसके अलावा आप देखेंगे ऊर्जा, व्यापार, निवेश, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संस्कृति, रक्षा, सुरक्षा,
जैसे क्षेत्रों में बहुपक्षीय व द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर भी क्या हुई बात हुई है। और एक बात और याद रखिए, कतर वही देश है यहाँ काफी अच्छा कच्चा तेल उत्पादन होता है, हम लोग आयात भी करते हैं यहाँ से, ठीक है। दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2019-20 में 10.95 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, दोनों देशों के बीच, कतर और भारत की। भारत ने COVID-19 महामारी के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों की देखभाल करने के लिए कतर को धन्यवाद भी दिया है, क्योंकि हमारे देश के कई लोग यहाँ रहते भी हैं, ठीक है, जिन्हें आप लोग प्रवासी कह देते हैं। भारत और कतर ने महामारी के दौरान उच्च स्तरीय संपर्क भी बनाए रखा है। भारत ने अपने साथ व्यापारिक साझेदारी के लिए कतर व्यवसायी संघ की प्रतिबद्धता की सराहना की और उन्हें आत्मनिर्भर भारत अभियान से मिलने वाले अवसरों के संबंध में जानकारी भी दी है। याद रखिए, हमारे देश के बहुत सारे लोग बाकी अन्य देशों में रहते हैं, फिर चाहे आपके अरब देश हो या अमेरिका हो, बाकी दुनिया में सब जगह फैले हुए हैं। मुझे लगता है कि कुछ दिनों बाद ऐसा होगा कि आपको सुनने को मिलेगा, अभी उपराष्ट्रपति के बारे में आप तो सुनते रहते हैं कि वहां का उपराष्ट्रपति आपका भारतीय मूल का बना हुआ है, हो सकता है कि ऐसा भी दिन आ जाए कि एक दिन मूल का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी देखने को दुनिया में मिलेंगे भारत के। हाल ही में परिवर्तन क्या हुए हैं, दोनों देशों ने COVID-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव को दूर करने के लिए प्रमुख पश्चिम एशियाई राज्यों में भारत के आउटरीच के हिस्से कतर निवेश प्राधिकरण द्वारा निवेश की सुविधा के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन करने का निर्णय भी लिया है। दोनों पक्षों ने श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी सुरक्षा के लिए संस्थागत उपायों पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें श्रम संबंधी मुद्दों से निपटना और दोनों देशों के मध्य लोगों की सुरक्षित आवाजाही की सुविधा इसमें शामिल है। भारत और कतर संबंधों की अगर बात करें हम लोग, तो आर्थिक संबंध सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें व्यापार। पिछले कुछ वर्षों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस और तेल की दरों में गिरावट के कारण दोनों देशों के मध्य व्यापार में उल्लेखनीय गिरावट भी देखी गई है। भारत को कतर के लिए चौथा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य माना जाता है, और निर्यात का सीधा सा मतलब होता है कि हम लोग क्या उसे भेज रहे हैं, ठीक है। सीधा सा मतलब है कि आप अपने पड़ोसी से दूध खरीदते हैं तो क्या कहेंगे, उसे कहेंगे आप खरीदते हैं तो आयात कर रहे हैं आप उससे। अगर मान लीजिए आप अपने पड़ोसी को कुछ चीज बेचते हैं, कोई वस्तु बेच रहे हैं, तो उसे क्या बोल देंगे, निर्यात, हम यानी कि उसके पास भेज रहे हैं। भारत और कतर दोनों के मध्य बैंकिंग क्षेत्र में भी अच्छे संबंध देखने को मिलेंगे। निर्यात की अगर बात करें तो भारत में कतर से निर्यात होने वाले प्रमुख वस्तुओं में तरलीकृत प्राकृतिक गैस, एलपीजी, रसायन, पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम आदि शामिल हैं। कतर को भारत से होने वाली प्रमुख निर्यात की बात करें तो अनाज, तांबा, लोहा, इस्पात, सब्जियां, प्लास्टिक उत्पाद, निर्माण सामग्री, वस्त्र और गारमेंट्स आदि शामिल हैं। तो हम लोग भारत से ये कतर को बेचते हैं, ठीक है। ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग की अगर बात करें हम लोग, तो कतर भारत में LNG का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता भी है, यानी कि कहने का मतलब है कि तरलीकृत प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। भारत अपनी जरूरतों के लिए प्राकृतिक गैस का लगभग 70% कतर से आयात करता है। और एक बात और आपको बताऊं कि हमारे पास इतनी सुविधा नहीं है कि कच्चा तेल की हम लोग आपूर्ति अपने आप में पूरी अपनी जो भी हमें चाहिए जरूरत है उसे पूरा कर सकें, इसलिए हम बाहरी देशों पर निर्भर रहते हैं और खरीदते हैं, ठीक है। रक्षा क्षेत्र की बात करें तो कतर के साथ भारत का रक्षा सहयोग अब तक किसी क्षण एक दूसरे के सम्मेलनों कार्यक्रमों से में भाग लेना और भारतीय नौसेना तथा तट रक्षक जहाजों द्वारा यात्रा तक सीमित रहा है। जाहिर अल बहर भारतीय और कतर नौसेना के मध्य द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भी है। इस तरह के क्वेश्चन आपके कई बार वनडे एग्जाम में भी पूछ लेता है, जाहिर अल वहर, एक इन दोनों देशों के बीच एक तरह से नौसेना अभ्यास है, तो याद रखिए भारत और कतर के बीच। अगर कल्चर के क्षेत्र में यानी कि सांस्कृतिक संबंध की बात करें हम लोग, तो सांस्कृतिक आदान प्रदान, भारतीय सांस्कृतिक केंद्र से जुड़े सामुदायिक संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में कतर में प्रदर्शन कर रहे भारतीय कलाकारों का एक नियमित प्रयास है। ICC यानी कि कहने का मतलब है इंडियन कल्चर सेंटर, भारतीय दूतावास दोहा और निजी प्रायोजकों के तत्वाधान में भारतीय समुदाय के कामकाज से संबंधी संघों का एक शीर्ष निकाय भी है। योग योग की अगर बात करें तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में लाए अपने प्रस्ताव पर कतर के समर्थन की एक सह प्रायोजक के रूप में सराहना भी की है। यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एकमत से रिकॉर्ड 177 सह प्रायोजकों के साथ अपनाया गया था और इसी प्रस्ताव के आधार पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के घोषित किया है। और भारत की ही एक तरह से आप कहिए कि भारत ने ही कोशिश की है तभी आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है। और आप लोगों से भी तो कहा जाता है कि योग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है।
अगर शिक्षा की अगर हम बात करें तो भारत में 14 भारतीय स्कूल जो आपके 30,000 से अधिक छात्रों को CBSE पाठ्यक्रम में शिक्षा प्रदान करते हैं, जिनमें से अधिकांश स्कूल में कतर में काम कर रहे भारतीय नागरिकों के बच्चे पढ़ते हैं। भारतीय अगर समुदाय की हम लोग बात करें यहाँ रहने वाले, तो भारतीय समुदाय कतर में सबसे बड़े प्रवासी समूह है, जहाँ जनसंख्या अनुमानता इसकी लगभग आपको कितना 700 मिलियन है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ कि हमारे यहाँ के जो प्रवासी हैं ये 700 मिलियन यहाँ रहते हैं। ये लोग विभिन्न क्षेत्रों में योगदान भी दे रहे हैं। कतर में भारतीयों की उनकी ईमानदारी, कड़ी मेहनत, तकनीकी विशेषज्ञता और कानून का पालन करने वाले स्वभाव के लिए सम्मान भी दिया जाता है। भारतीयों को लगभग हर स्थानीय प्रतिष्ठान, सरकारी या फिर निजी विभिन्न क्षमताओं में नियोजित किया जाता है। पेशित धन की बात करें तो कतर में रहने वाले प्रवासी भारतीयों द्वारा भारत में प्रति वर्ष लगभग $750 मिलियन की राशि भेजी जाती है। अब आप समझिए कि आप अगर मान लीजिए कि जा रहे हैं किसी भी देश में जा रहे हैं, आप वहां जो कमाई करेंगे, आपका परिवार भारत में रह रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप पैसा ऐसा तो है नहीं कि वहीं का वहीं रखे रहेंगे, आप अपने भारत में भेजेंगे। तो इससे क्या होगा कि डॉलर में एक राशि अच्छी खासी आएगी, जिसे आप लोग हॉट करेंसी भी कह देते हैं। और अधिकतर व्यापार आप देखते होंगे कि डॉलर में ही होते हैं, समझ रहे हैं आप लोग? तो इससे काफी हमें सहायता भी मिलती है। आगे की राय क्या हो सकती है दोनों देशों के बीच? तो कतर भारत में बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में निवेश करना चाहता है, जिसमें आपका सड़क हो गया, राजमार्ग हो गया, आर्थिक गलियारे हो गए, हवाई अड्डे, बंदरगाह, पर्यटन, होटल उद्योग के अलावा गैस एवं उर्वरक से संबंधित परियोजनाएं शामिल है इसमें। भारत कतर में तरलीकृत प्राकृतिक गैस, रासायनिक उद्योग, यूरिया, पेट्रोकेमिकल्स और विशेष रूप से उर्वरकों के निर्माण और उत्पादन में प्रत्यक्ष निवेश के लिए तत्पर भी है। तो इस तरह से आगे भी इन दोनों देशों के बीच काफी अच्छे संबंध देखने को मिलेंगे, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखिए, कुछ ना कुछ दोनों देशों का लालच होता है, तभी संबंध अच्छे होते हैं। अगर आप सोचें कि बिल्कुल एक का लालच ना हो, तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा दिन दोस्ती कोई चर्चा में रह सकती है। बाकी आप समझिए, इतनी दुनिया में देश है, कहाँ हर कोई चर्चा में रहता है, और हर किसी के बारे में तो आप लोग नहीं पढ़ते होंगे कि भारत का ऐसे संबंध, भारत का ऐसे संबंध। पर तो मुझे लगता है कि आपको 2-4 साल इसी के लिए चाहिए पढ़ने के लिए। तो मुझे लगता है कि आप लोग अपनी दोस्ती के हिसाब से देख सकते हैं कि आप जिस तरह से दोस्ती रखते हैं, रिश्ते रखते हैं कोई ना कोई मतलब के लिए, इसी तरह से इनमें भी देखा जाता है। चलिए, तो यही पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि इनसे ही डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकता है।